हेलो, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं अभी अपनी पहली राइड पे निकलने ही वाले हैं। जस्ट नहा धो के रेडी वगैरह हो के फिर आगे का व्लॉग बनाते हैं। 5:05 बजने वाले हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद नाश्ता करके फिर निकलते हैं। चुके हैं, अब दुकान के बाहर आए हैं। थोड़ा सा सामान रह गया हमारा, कैंपिंग टेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये प्रथम की बाइक का बच्चे ये खड़ा हुआ ब्लॉग स्टार्टिंग कर रहा है। ये रही अपनी शॉप चॉइस स्टील एंड मेटल्स। लेट्स द जर्नी बिगेन टू हेलमेट्स बैकपैक्स प्रथम पूजन मी अपाचे RTR बुलेट 350। ये हाईवे पे चढ़ चुके हैं हम। हम पिंजौर पहुंच चुके हैं और सभी राइडर्स के साथ हमारा मीटअप हो चुका है। कुछ ही मिनटों में हम यहाँ से निकलेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, आगे जो हमने सिनेमैटिक्स बनाए हैं आप उन्हें एंजॉय करिए। एंड तक वीडियो को जरूर देखना। ये हमारे गौरव भाई हैं, देखिए कितनी खतरनाक राइडिंग कर रहे हैं। अभी ये वापिस आएंगे, इस तरफ से कॉर्नरिंग करेंगे। देखिए कैसे चला रहे हैं भाई, वाह क्या टर्न लिया भाई ने, बिल्कुल मोटो जीपी की तरह। ये देखिए दोस्तों, ये है जो टर्न है ना भुवनेश्वर जाने का, नैना टिक्कर से 5 किलोमीटर आगे जाके राइट पे आता है ये टर्न। तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ बाइक जा सकती है। अगर गाड़ी में जाना है तो आपको अल्टो या कोई 4x4 गाड़ी जाएगी, पर इतना ध्यान रखना है यहाँ पे जो रोड जो है ना पूरा पूरा है। अगर सामने से गाड़ी आ गई तो दो गाड़ी आसानी से पार नहीं हो पाएंगी। बाइक भी हम, मैं भी पहले और दूसरे गियर में ही चला रहे थे बाइक। तो ये देखिए वादियाँ, यहाँ की जो खुशबू आती है ना गीली मिट्टी की, तो वो ही रूह को एकदम पाकीज़ा से कर देती है। दुनिया की सारी टेंशन वगैरह छोड़ के ऐसा लगता है कहीं जन्नत जैसे नज़ारे में आ गए हो। मज़ा ही आ जाता है पहाड़ी इलाकों में जाने में। तो ये देखिए कैसे कैसे टर्न है। प्रथम जी बोल रहे हैं पबजी वाला सीन लग रहा है, पबजी वाला। इन्होंने भी पूरे पबजी का रेंगल मैप रटा हुआ है। हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तीन बाइकें आ गई हैं, दो आ रही हैं अभी रास्ते में। ये देखिए व्यू इधर का। अब आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। वाओ, क्लाउड से क्लाउड से। देखिए हम बादलों के ऊपर आ गए हैं, बादलों की ऊंचाइयों में। बादलों की ऊंचाइयों में कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, यहाँ चारों तरफ क्लाउड से क्लाउड से जन्नत का नज़ारा, कि जैसे बादल हमारे नीचे हों और हम बादलों के ऊपर। हिली एरियाज का ऐसा ही है, एक मिनट में मौसम ऐसे तो एक मिनट में वैसे। देखिए बाइक की आवाज आ रही होगी, एक हमारे राइडर जो रह गए थे वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं भाई। वाओ वाओ, टू हायाबुसा 1 CBR 650 सुपर बाइक्स भी आई है यहाँ पे भुवनेश्वर। मतलब यहाँ काफी राइडर्स आते हैं। कितनी प्यारी बाइक्स लग रही हैं यार ये।
कोई नहीं, इनको पार्क करने दो, फिर इस पे फोटोज खिंचवाएंगे हम। ये देखिए कितनी सीढ़ियाँ चढ़ गए हम ऊपर आए हैं। कोई टेम्पल है यहाँ पे भुवनेश्वर में, बच गया मैं गिरने से। उधर साइड आए हैं, ये मंदिर के पंडित जी खड़े हैं। अभी एक अंकल आए मंदिर के पंडित जी से, कह रहे मैंने आपको जब भी देखा है पंडित जी फोन में ही देखा है, कितनी बातें करते हो। ये सभी राइडर भाइयों के प्यारे प्यारे हेलमेट्स ये कर दिए उन्होंने पार्क। हायाबुसा सेकंड हायाबुसा, ये सॉरी CBR 650। अब हम इस पर फोटो शूट करेंगे। ये खड़ी है सेकंड हायाबुसा, मेरी बुलेट 350 क्लासिक चेस्टनट अपाचे R1। ये देखिए हम कहाँ बैठे हैं, बड़ी प्यारी जगह है भुवनेश्वर। आप लोग आए यहाँ पर घूमें, अपनी फैमिली के साथ आए, फैमिली पॉइंट है। ये देखिए कपल्स दो ये घूम ही रहे हैं। और यहाँ पे बादल सामने देखिए कितने प्यारे प्यारे घर हैं। ये हमारे हेलमेट्स पड़े हैं। ये चेयर देखिए बिल्कुल खाई के किनारे पे रखी हुई है। ये रहा हमारा टेंट, इसे हम अभी लगाएंगे। देखिए सारे कैसे मस्ती में बैठे हैं, चेयर रखी है खाई किनारे पे, लूडो स्पीकर में सारे गाने सुन रहे हैं सिद्धू मूसे वाले के लेजेंड के। बहुत ही प्यारी जगह है देखिए। ये प्रथम भाई ने मेरी और बाकी भाइयों की मदद से टेंट लगा ही लिया आखिरकार। देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है, कभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बर्फीली बर्फीली, कभी हल्की हल्की सी सेक पड़ रही है। ये मैं टेंट के अंदर बैठा हूँ आराम से, बहुत बढ़िया टेंट लगा है इतनी बढ़िया लोकेशन पर। ये हम दूसरी चोटी के ऊपर खड़े हैं। ये देखिए कितना छोटा लग रहा है टेंट हमारा, काफ़ी दूर हैं हम। ये हमारा सामान पड़ा है, हेलमेट चेयर, सारे भाई इधर आए आजा बैठे हैं। ये प्रथम भाई से मैं रील बनवा रहा था इस टाइम पे बैठा हुआ था, हमने कहा एडिट और सॉन्ग बाद में लगा लेंगे, तुम सिंपल शूट तो करो। ये देखिए बहुत ही प्यारी जगह लगी मेरे को तो, ये मेरी लाइफ की फर्स्ट राइड है बाइक पे इतनी दूर। ये देखिए अब प्रथम भाई ने भी कहा था मेरी रील बनाइए, अब मैं इनकी रील शूट कर रहा था। ये भी कहते गाना बाद में लगा लेंगे, आप सिंपल शूट कर दीजिए। अभी प्रथम भाई भी मेरे हाथ हवा में उठाएंगे, ये उठाए वाह जी वाह। स्टार्ट दोबारा करिए। ये हम इतनी ऊंचाई पे खड़े थे, रील शूट कर रहे थे, डर रहे थे झांकते में भी। ये चोटी दिख रही है यहाँ पे देखना, कुछ चूतिया लोग इस चोटी पे खड़े हो गए ना अभी थोड़ी देर बाद वीडियो। कैसे एकदम बादल से आ गए हैं, मंदिर सब ढक गया है यहाँ पे। ये देखिए कितने बादल हैं हमारे नीचे, बादल ही बादल हैं दोस्तों। ये बादलों के कारण तो हम इतने कोने में बैठे हुए हैं, जब मौसम साफ होता है ना तो यहाँ पे बैठने की हिम्मत नहीं होती है बिल्कुल पास में। नीचे बहुत ही गहरी खाई है। ये देखिए बोलने की देर थी, लोग चढ़ गए। देखिए कैसे आ रहा है ये लेडीज, इन्हें डर ही नहीं लगता बिल्कुल हिमाचलियों को। कोई नहीं चलो हम तो अपना सेफ बैठे हैं, करने दो दुनिया को आप रोक थोड़ी सकते हैं। ये बड़ा रिक्स है भाई, हमारे ब्लॉग में ये भी शूट हो रहा है। देखो हम बैठे हैं सेफ्टी से बैठे हैं, हम सेफ्टी से बैठे हैं। ये भाई अच्छी तरह हाई नहीं कर पाए। ये देखो ये कितना रिक्सी है, ये पत्थर टाप के इधर से एक चोटी से दूसरी चोटी पे आए हैं। पर आपको पता है हिमाचली बंदे होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं थोड़ा हिमाचली बंदे। प्रथम देखो पता ना कौन से कम में बैठा है यहाँ पे, ये भाई भी सो रहे हैं, ये रिलैक्स हैं बिल्कुल। हेलो ब्रदर, सबसे ज़्यादा रिलैक्स। ये मनोज भाई आराम से फरमा रहे हैं, ये देखना कैसे। मैं अपने साथ ब्लूटूथ स्पीकर ले गया था, ये सारे भाई एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं होले होले। दस पुत तेरा हेड डाउन कास्टों, चंगा भला हसदा सिमाउन कास्टों, आ जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़े आ, मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास्टों। कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, कुछ तैनू फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने, कुछ कन्ने आए ऐसे कैसे नमूने हैं दुनिया में कहां चढ़े हुए, इन्हें अपनी जिंदगी से प्यार ही नहीं है। उधर जनानी अपनी आराम से मस्ती में बैठी है, चलो उतना चल जाता है, ये बच्चे पर गलत कर रहे हैं।
पर है इसमें से दो बड़े भी हैं, उनकी अकल घुटनों में है ना, तो वहां जाते ही क्यों वो? ऐसा हो सकता है वो हिमाचली हो, परफेक्ट हो। जा रहे हैं, ये हम वापस निकल चुके हैं अपने घर के लिए। प्रथम भाई राइड कर रहे हैं, देखिए कैसा। आस साथ में कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ खाई है राइट साइड पे। बहुत ही छोटा रोड है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है भुवनेश्वर की, पर जगह बहुत प्यारी है, मज़ा आ जाता है यहाँ पे आके ना। यहाँ की खुशबू, मिट्टी की, गीली मिट्टी की खुशबू, हरियाली, मतलब एकदम ना फ्रेश माइंड हो जाता है। ये देखिए कैसा शार्प टर्न आया, एकदम बिल्कुल राउंड यू शेप। ये देखिए हमारे राइडर्स कितने प्यारे लग रहे हैं लाइनअप में। ये हमारा मीटअप था फर्स्ट वापसी का, यहाँ रुकेंगे, ये टेंट बांधेंगे, ये खुल रहा था, फिर दोबारा निकलेंगे यहाँ से। पहाड़ों पे कैसे बकरियाँ चढ़ी हुई हैं, ये कैसे खाना खा रही हैं और कैसे रोड पार कर रही हैं। बीच रोड के बीच हम बीच, कोई कहाँ चढ़ा हुआ है, कोई कहाँ चढ़ा हुआ है। ये देखिए कुदरत ने इन्हें ऐसी टेक्निक दी है पहाड़ों के हिसाब से, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं कैसे चढ़ना है कैसे उतरना है। ऊपर यहाँ पे चेकिंग हो रही थी, हमने पास कर लिया। देखिए रेलवे ट्रैक है, ये शिमला के लिए ट्रेन जाती है। ये हमारे बैग पैर चिपक गए थे, हमने पानी डाला इस पर, फिर दोबारा काम करने लगे। अब देखना प्रथम बूम बैम करेगा। ये वापसी की वीडियो है अम्बाला जाते हुए, ये हमारे गौरव भाई ने शूट करी थी। भाई ये मेरा पहला ब्लॉग था, ना हमारे पास दो फोटो आए नहीं, तो हमने फ़ोन से टूटा फूटा जैसे बना वैसे बना दिया। उम्मीद करते हैं अगर थोड़ा बहुत चल जाता है ब्लॉग तो गोप्रो लेके आएंगे और आगे भी ब्लॉग्स शूट करा करेंगे। बस आप सभी भाई हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करते, बस थोड़ा बहुत, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दिखाएंगे आपको। ये रही हमारे ब्लॉग की लास्ट वीडियो अम्बाला जाते हुए, ये प्रथम निकला गौरव भाई, लारिक सभी मी। ठीक है भाइयों, सब जने सेफ रहना, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी दोबारा दूसरी राइड पे जाएंगे। अगर आप सबको भी जाना हो तो मेरे को नीचे DM कर देना, बना लेंगे सारे भाई मिलके, प्लानिंग करेंगे। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना मज़ा आता है राइड पे जाने में। चलो ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, इन्जॉय योर डे।